परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की 24 सितंबर को धूमधाम से उदयपुर के द लीला पैलेस होटल में शादी हुई। दोनों की शादी के फंक्शन 23 सितंबर को शुरू हुए और कपल ने परिवार और करीबियों की मौजूदगी में साथ फेरे लेकर एक दूजे को हमेशा के लिए अपने हमसफर के रूप में चुना। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी का फर्स्ट लुक देखने का कल से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि परिणीति ने अपनी शादी से पहला लुक शेयर कर लिया है। उन्होंने अपने वेडिंग लुक के साथ सिर पर एक लंबी चुनरी ओढ़ी और जिस पर उन्होंने एक खास शब्द लिखवाया। परिणीति चोपड़ा अपनी शादी में पेस्टल रंग के लहंगे में नजर आई जिसके साथ उन्होंने न्यूड मेकअप को चुना जिसमें वह खूबसूरत लग रही थी। अपने इस लुक के साथ उन्होंने अपने गले में दुपट्टा ओढ़ने के साथ साथ अपने सिर पर भी एक लंबी चुनरी ओढ़ रखी थी। सिंपल प्लेन दुपट्टे पर साइड में गोल्डन रंग से वर्क हो रखा था और साइड में व्हाइट मोती का वर्क था। हालांकि परिणीति चोपड़ा ने जो ओढ़नी सिर पर ओढ़ रखी थी उस पर उन्होंने गोल्डन रंग से अपने पति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम लिखवाया जो उनके सिर पर ओढ़ी चुनरी पर साफ साफ नजर आ रहा था। आपको बता दें कि मनीष मल्होत्रा ने परिणीति चोपड़ा का पूरा वेडिंग लुक डिजाइन किया था। वह उनकी शादी अटेंड करने उदयपुर भी पहुंचे थे। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी में सानिया मिर्जा, मधु चोपड़ा, हरभजन सिंह, सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह सहित कई सितारे और बड़ी हस्तियां पहुंची। हालांकि प्रियंका चोपड़ा अपने कमिटमेंट के चलते बहन परिणीति की शादी में शामिल नहीं हो सकी। उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारी बधाई दी और परिणीति और राघव का इससे पहले पोस्ट वेडिंग लुक वायरल हुआ था।